लिखा लिखा सामने इब्राहिम सारा मम्मा की जानू। सारा के बाल जो है ना हमने कटवाए थे कि शायद इसके बाल जो है वो सीधे आए, लेकिन फिर जो है सारा के बाल जो है वो कर्ल हो गए हैं। सारा इब्राहिम ने बहुत खराब नहीं करो ना उसके है ना सारू। सलाम मम्मा की जानू, उसके बाल जो है ना वो फिर कर्ल है। इब्राहिम भी जब छोटा था ना उसके भी कर्ल थे, लेकिन अब देखिए उसके स्ट्रेट हो गए हैं। होपफुली इसके भी जो है वो स्ट्रेट हो जाए हैं ना सारा। चलो लानी स्माइल कर दो सारा, हंस के तो दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो। अब सारा की वजह से ना मैं एक चादर लाजिम लेके आती हूँ अपने साथ ही, मैंने रखी हुई है क्योंकि सारा जो है वो वॉमिट कर देती है और 2 से 3 टाइम ऐसा हो चुका है कि इसने मेरे ऊपर वॉमिट किए गाड़ी में। अब मैं ना एहतियाती तदाबीर करते हुए ना अपने साथ एक चादर ज़रूर रखती हूँ कि अगर वॉमिट करे भी ना तो उस पर जाए, मेरे कपड़े बच जाए। इस मॉल में हम कभी नहीं गए जाई जी, क्यों अच्छा नहीं है क्या? ऐसे क्यों कहते? अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेकर हॉस्पिटल, बुर्जील जा रहे हैं। महरा और इब्राहिम के जो है ना वो ब्लड टेस्ट करवाने, क्योंकि लास्ट टाइम महरा का जब ब्लड टेस्ट करवाया था तो थोड़ा सा इसकी आयरन का ना कमी आई थी, तो अभी हम लोग दोबारा डॉक्टर ने बुलाया था तो हम अगेन जा रहे हैं। और इब्राहिम को भी दिखाना है क्योंकि वो बहुत वीक हो रहा है, तो हमने कहा दोनों का जो है ना वो चेकअप हो जाएगा। वैसे बच्चों के ना चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि ये रहा बुर्जील हॉस्पिटल। अच्छा बुर्जील की सारी ब्रांचेस बड़ी अच्छी मतलब बनी हुई है ना, उनका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। मम्मा अब मुझे ऐसे नहीं करना जो डॉक्टर थी, मैं छुपूँगी, मैंने शर्माने वाली लड़की हूँ। बाबा को पढ़ने, बाबा सारा को लेके गए हो तंग करिए ना। कहाँ तो बाबू को बहुत फट गए, कहाँ कहाँ गए? हेलो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम बिल्ला के करम और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। आज बच्चों की अपॉइंटमेंट थी और वहाँ से वापस आने में हमें थोड़ा टाइम लग गया। वैसे भी आप जब डॉक्टर के पास जाओ तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और बस अब वापस आके हम जल्दी जल्दी में अफ्तारी की कर रहे हैं तैयारी। और यहाँ पर जो मैं रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है। यह है बटाटा वड़ा की रेसिपी जो कि साहिद बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार बनाते हैं। यहाँ पर लिया है 1 अदद प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया है और साथ ही हमने उसमें अपने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी और इसको हमने हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद ही हम इसमें अपना बारीक कटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी बस हमने हल्का सा चलाना है, कोई ब्राउन वगैरह नहीं करना है। और उसके बाद ही हम इसमें अपनी थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसमें हमने लिया है बंद गोभी है, हरा प्याज है, थोड़ी सी हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी गाजर। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी इससे काम चल जाएगा, इसके बगैर भी। तो खैर हमने थोड़ी सी इसमें वेजिटेबल ऐड करने के बाद भी इसको हम हल्का सा जो है वो सौते ही करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद जो है हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें उसका मेन मसाला जो है ना वो कलौंजी है। इसमें हमने जो है ना वो आधी सी चम्मच के करीब जो है ना वो थोड़ी सी हमने कलौंजी इसमें ऐड की है। और उसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है वो हस्बे जायका, उसमें हमने वो ऐड करना है। और इसमें हमने साबुत ज़ीरा ऐड किया है थोड़ा सा। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे और उसमें हम जो है अपने बॉयल किए हुए आलू ऐड करेंगे छिलके समेत। ठीक है, इसके जो आपने छिलके होते हैं ना आलू के, वो इसमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके साथ ही हमने अच्छे से धो के इसको हमने बॉईल कर लिया था। और अब जो है ना हम अपने आलू जो हैं वो छिलकों समेत ही अपने इस वेजिटेबल्स में डाल देंगे, प्याज वगैरह में। और इसको आपने बिल्कुल मैश नहीं करना है, इसको आपने जिस तरह से हम लोग जो बनाते हैं कटलेस होते हैं उसकी तरह हमें इसको मैश नहीं करना है, हमें इसको बस तोड़ लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना लाल मिर्च पाउडर, वो भी हस्बे ज़ायका। और बाद में हमने इसमें ऐड किया हरा धनिया और करी पत्ता। ठीक है, हरा धनिया और करी पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे, करी पत्ते से इसकी अलग ही खुशबू हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट। तो इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मज़ीद मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको बस अच्छे से हमने अपना इसको मिक्स करना है। मज़ीद इसमें मसाले हमने कोई ऐड नहीं किए हैं, मसालों में हमने सिर्फ इसमें कलौंजी ऐड की है, नमक ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है और लाल मिर्च पाउडर है। ठीक है, इसके अलावा कोई मसाला इसमें हमने नहीं डाला है। हरा धनिया और करी पत्ता जो है ना लास्ट में इसमें ऐड करना है। बस इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें हैं ना वो यकजान हो जाएँ। कुछ इस तरह से जो है इसकी शक्ल हो जाएगी। इसको जो है वो थोड़ी देर ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा इसके बाद हम इसकी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेंगे। गोल गोल सी जो हमने इसकी जो है ना वो बॉल बना लेनी है इस तरह से। और आप यकीन करें, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और ये हमारे भी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि रमज़ान में जो है वो कुछ अलग खाने का दिल करता ही है। सेम चीज़ें खा खा के इंसान बोर हो जाता है, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। यहाँ पर जो है वो साथ ही फ्राई भी करी थी, क्योंकि रफ्तारी में जो है वो बहुत कम टाइम रह गया था। बस मैं जल्दी जल्दी में जो है वो सारे काम यहाँ पे हो रहे थे। यहाँ पर जो है वो बेसन की हम लोगों ने एक पेस्ट तैयार कर लिया था, जिसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर हमने थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद जो इसको अच्छी तरह से हमने अपने आलूओं को बेसन में अच्छे से डिप करके पूरी कोटिंग तैयार कर लेनी है और उसके बाद जो है इसको हम करेंगे फ्राई। और कुछ इस तरह से जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक आएगी और यकीन करें बहुत मज़े के होते हैं। और अगर आप इसको बन के साथ खाते ना तो ये और भी मज़े के लगेंगे। तो ये जो है इसकी फ़ाइनल लुक है। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के कि आपने मेरी रेसिपी से कोई चीज़ बनाई है और वो अच्छी बनी है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है। और साथ में जो है हम यहाँ पर खट्टे आलू भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर आलू को जो है हमने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के। ठीक है, तो इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है और उसके बाद हमने इसको ऑयल में कर लिया था फ्राई। उसको फ्राई करके साइड पे किया है। और यहाँ पर जो है वो एक अदद लहसुन लिया है, 3 से 4 अदद लहसुन जो है उनको बारीक कट कर लिया था और इसके बाद इसको हम ऑयल में कर लेंगे फ्राई। क्या उसका कलर चेंज जब हो जाएगा लहसुन का, तब हम इसमें डाल देंगे अपने टोमेटो पेस्ट। तो यहाँ पर जो है ना हमने 3 से 4 चम्मच के करीब जो है ना इसमें अपने पेस्ट डाल दिया टमाटर का। और उसके बाद जो है ना एक अजीब जंग छिड़ गई थी, ऑयल जो है ना वो बेकाबू हो गया था और बहुत छलांगे लगाना शुरू कर दी थी उसने और इस तरह से पूरा जो है ना वो मेस हो गया था। तो ये इस तरह के हादसा जो है वो जब आप कुकिंग करते हैं ना तो वो दरपेश आते रहते हैं, तो जाने दीजिएगा। यहाँ पर जो है हमने अपना पेस्ट डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ऑयल का जो है ना वो गुस्सा भी अब थोड़ा ठंडा हो गया था। अच्छा, इसमें हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन से मसाले, जिसमें हमने हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें हम ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक मसाले इसमें हमने डालने हैं। बहुत आसान, ये भी बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। जिनको चटपटा और खट्टा पसंद है उनको तो बहुत अच्छी लगने वाली है। यहाँ पे हमने धनिया ऐड कर दिया था, साथ ही हम इसमें अपने जो बॉयल करके जो हमने फ्राई कर लिए थे अपने पोटैटोज़ वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लास्ट में जो हमें 1 से 2 अदद जो लेमन है ना वो अच्छी तरह से इसमें निचोड़ लेंगे। जो मेन काम हुआ है वो लीमों का ही है, इसमें हमने लेमन डाल देना है और वो बहुत मज़ेदार चटपटे से खट्टे आलू जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। और यकीनन आपको दोनों रेसिपीज़ पसंद आने वाली हैं। आज की मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है पढ़ के। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी और हमारे बच्चों को भी इस ख़ास महीने में, इस रमदान के महीने में अपनी दुआ में हमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।